Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video मैं आपके साथ Myntra से टॉप एंड टी शर्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हॉल लेकर के आई हूँ. मैं इसमें आपके साथ 6 to 7 टी शर्ट टॉप्स शेयर करूँगी. सो इफ़ इन केस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा. एंड गाइज, वन मोर थिंग, मैं अपने चैनल पर एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ. सो इफ़ इन केस आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं माइकल एम के प्रोडक्ट्स का गिव अवे शेयर करने वाली हूँ. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो माइग्लैम से मुझसे कोई भी प्रोडक्ट्स लेने में, मैं माइग्लैम का गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो. जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मैं उतने ही ज़्यादा विनर्स इसमें अनाउंस करूँगी. एंड मैं इस गिव अवे में जो भी प्रोडक्ट्स दूंगी वो आपकी चॉइस से होंगे. आपको मुझसे जो भी लेना हो मैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दूंगी, उसमें से आप मुझसे कुछ भी ले सकते हो. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं माइग्लैम से बहुत ही जल्दी एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ. सो बी कनेक्टेड. सो गाइस, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टी शर्ट से, जो कि है क्रॉप टी शर्ट. इसका पिक्चर आपको साइड में दिख रहा होगा और ये ड्रेस बैरी ब्रांड से है. सो ये कुछ इस तरीके से आया है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. और इसका ट्राई ऑन भी आपको साइड में दिख जाएगा. प्राइजेस भी मेंशन हो जाएंगे कि मुझे ये कितने का मिला है. सो अफोर्डेबल प्राइस में है, अंडर 200 रुपीज़ में ही टी शर्ट्स एंड टॉप्स हैं. कुछ कुछ टॉप्स हैं जो 300 400 के हैं, बट मोस्टली मैंने अफोर्डेबल प्राइस में लेने का ही ट्राई करा है. सो ये वाला है शायद 199 रुपीज़ का ये टी शर्ट है. एंड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, बहुत मोटा वाला फैब्रिक इन्होंने प्रोवाइड कराया है. कमर्स के अकॉर्डिंग ही मैं टी शर्ट्स लेकर के आई हूँ. सो ये इस तरीके से राउंड नेक में मिल जाती है और यहाँ पर हमको वाइट कलर का ऐसे डिटेलिंग देखने के लिए मिलता है. एंड यहाँ पर स्लीव्स पर भी इसी तरीके से डिटेलिंग मिलता है. एंड ये क्रॉप टी शर्ट हमको रिसीव हो जाता है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और ये रानी पिंक कलर है, मतलब मैजेंटा कलर टाइप में, तो काफ़ी अच्छा लगता है वेयर करने पर, खिलता है बहुत ज़्यादा. सो ये वाला मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. प्राइस वाइज टोटली वर्थ बाइंग है और काफ़ी ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक है. देन नेक्स्ट जो टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो इसका पिक्चर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था. मतलब उन्होंने मेंशन तो मरून ही करा था बट मैंने वो नहीं देखा, मैंने जस्ट पिक्चर देखा और ऑर्डर प्लेस कर लिया. तो रेड कलर का दिख रहा था और ये मरून रिसीव हुआ है, बट ये भी ख़राब नहीं लग रहा है और ये स्वीट हार्ट नेक में आ जाता है. सो इसमें मैंने एक्सल साइज़ लिया है और सारे ही टॉप्स एंड टी शर्ट्स में मैंने एक्सल साइज़ पिक करा है. कुछ मैंने ओवर साइज भी ली हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना देख लेना. इस तरीके से हमको इसमें पफ स्लीव्स देखने के लिए मिलती है. ट्राई ऑन आपको इसका साइड में दिख जाएगा. ये भी क्रॉप काइंड ऑफ है, प्रॉपर क्रॉप भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है. और इसकी जो स्लीव्स है ना वो हमको यहाँ यहाँ तक आ जाती हैं, मतलब 2/4 काइंड ऑफ इसकी स्लीव्स हैं. और इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जीन्स तक आ जाता है इतना है ये, इतना लेंथ है इसका. क्रॉप में नहीं आता है ये, बट शॉर्ट टॉप है. और कलर भी सही लगा मुझे, मतलब ख़राब नहीं लगा. और ये अप्रॉक्स 350 रुपये के आसपास का था, तो उसके अकॉर्डिंग टोटली वर्थ पाएंगे. इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मोटा है, अंदर हमको थोड़ा शाइनी फैब्रिक देखने के लिए मिलता है. दिस इज़ हाउ इट लुक. एंड बाहर इसमें हमको थोड़ा रफ सा इसका फैब्रिक देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो मेरी तरफ से ये वाला भी हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करना. नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने पिक करा है ये भी है ड्रेस बैरी ब्रांड से ही. ड्रेस बैरी ब्रांड के काफ़ी सारे टी शर्ट्स मिंत्रा पर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना. और अगर आपको मुझसे रिव्यू चाहिए तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. सो ये वाला टी शर्ट भी क्रॉप टी शर्ट है, इसको भी मैंने एक्सल साइज में लिया है. एंड ये नियॉन ग्रीन कलर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये इतना स्लीव्स इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, एक्सल साइज़ है और ये ओवर साइज्ड है. मतलब क्रॉप है तो इतना वेयर करने पर ऐसा ओवर साइज्ड लगता नहीं है, बट ये ओवर साइज्ड ही है. और लेंथ इसका जो है, ये जो टी शर्ट है ये क्रॉप में ही आता है, फुल नहीं आता है. सो कलर मुझे ज़्यादा प्यारा लगा, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा खिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलर भी. सो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये जस्ट 162 रुपीज़ का टी शर्ट था और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी है. सो समर्स में आप इसको ईजिली अच्छे से वेयर कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, काफ़ी सूदिंग लगने वाला है. नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ टी शर्ट. ये कुछ इस तरह से टी शर्ट देखने के लिए मिलता है. ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पर देखने के लिए मिलता है, चाहे मिंत्रा हो, अजियो हो या फिर
आप इसको फ्लिपकार्ट पर भी देख सकते हो, काफ़ी सारे हर जगह मिल जाता है ये। सो इस तरीके का पैटर्न मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, मतलब मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रही थी, वाला टी शर्ट मुझे लेना था, बट फाइनली इसका अब मुहूर्त निकला है लेने के लिए। सो ये वाला कुछ इस तरीके से, ये दो हमको अलग से ऐसे फैब्रिक देखने के लिए मिलता है, एंड काफ़ी ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक है, एंड इसमें मैंने साइज़ लिया एक्सेल, और ये बहुत ज़्यादा ओवर साइज पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और समर्स में वैसे भी हमको कंफर्टेबल क्लोथ्स ही अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जस्ट 299 का मुझे मिला था। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक है और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं ये। हाँ, इस वाले टी शर्ट में मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत इसका फैल जाएगा फैब्रिक। नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ टॉप। तो ये वाला जो टॉप है ना, ये मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसा आया है। जब मैंने इसको परचेज करा तो मैंने इसका पिक्चर देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट आप इसको देख सकते हो, ये इसकी इलास्टिक इतनी ज़्यादा लूज़ है कि ये पता नहीं कितना ही नीचे आ जाता है। सो दैट्स वाई मुझे इसकी फिटिंग सही नहीं आई है। एक्सल साइज़ है और मुझे हर जगह से फिटिंग सही है, बस ये इसके कंधे हैं ना वो ऐसे गिर रहे हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। दैट्स वाई मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। मैंने जस्ट आपको शेयर करने के लिए, आपके साथ इसको शेयर करने के लिए रखा था। फैब्रिक वैब्रिक सब बढ़िया है, कलर भी एकदम एग्जैक्ट सेम आया है, मस्टर्ड कलर इसी तरीके से ये शेड है। सो पीछे इसमें हमको चेन देखने के लिए मिलती है, बट इसका जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्सेल के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी पर फिटिंग सही आती है, बट ये कंधों पर ये गिरने लगता है। आई डोंट नो इसी वाले टॉप में ये प्रॉब्लम है या फिर इसके सारे ही टॉप्स में ये प्रॉब्लम है। सो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। और इसका जो फैब्रिक है ना वो क्रीप टाइप में इसका फैब्रिक है। सो मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको पिक करा, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ इससे। सो दैट्स वाई मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ टॉप। सो ये वाला टॉप मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, बट मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था। सो इस तरीके से हमको इसमें पर्ल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड ये इस तरीके से नेक लाइन है इसकी, इधर से हुक लग जाते हैं। ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये इस तरीके से हमको इसमें पैटर्न देखने के लिए मिलता है, एंड ये फुल स्लीव्स में है, और इसका फैब्रिक भी क्रीप है और बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। सो ये आई गेस 400 समवेयर अराउंड पड़ा था मुझे। इसकी लेंथ भी फुल है एंड ये एक्सल साइज में है, एंड दिस इज़ फ्रॉम ससस फराज, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है इनकी। सो इसको मैं थ्रिफ्ट स्टोर में निकालने वाली हूँ। सो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, मैं अपने थ्रिफ्ट स्टोर का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप चेक कर लेना। मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मंगवाती हूँ रिव्यू करने के लिए, और उसको मैं थ्रिफ्ट स्टोर में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर निकाल देती हूँ। सो अगर आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग करने में तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी प्रोडक्ट्स उस पर निकाल दूँगी अपने। सो ये वाला था, सो सिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। सो अब सेवन्थ वाले टॉप की बारी आती है। सो ये वाला टी शर्ट जो मैंने वेयर किया हुआ है, एज़ यू गाइस कैन सी, सो ये वाला लिया है मैंने, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये जस्ट 182 रुपीज़ का टॉप है, और इतना अच्छा टॉप है, देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा मोटा फैब्रिक है। मतलब मुझे सारे जितने भी टी शर्ट्स रिसीव हुए हैं जो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी है। एंड ये रोडस्टर ब्रांड से है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे। एक्सल साइज़ में है, और इसकी स्लीव्स हमको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉप है, हाईली रिकमेंडेड है। लेवेंडर कलर है, लाइट लेवेंडर कलर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई अच्छे फैब्रिक में टी शर्ट लेने में, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना। इसका ट्राई ऑन आपको साइड में दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक है, फैलेगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा रिकमेंडेशन है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला टी शर्ट। गाइस दैट्स ऑल, इस वाले वीडियो में मैंने आपके साथ यही 7 टॉप्स एंड टी शर्ट शेयर करी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये वाला कलेक्शन कैसा लगा, इनमें से आपको कौन सा टॉप पसंद आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसमें जस्ट आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। सो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और कोई भी पार्टिसिपेट कर
कर सकता है, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में थोड़े बहुत कमेंट रिसीव हुए थे कि मैं यहाँ से हूँ तो क्या मुझे आप मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ या नहीं। सो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इंडिया से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो बी कनेक्टेड अगर आप इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने में। एंड मैं अपने अगले वीडियोज़ में अपडेट करती रहूँगी कि मुझे गिव अवे कब अनाउंस करना है, और मैं कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दूँगी जब भी मैं गिव अवे अनाउंस करूँगी। सो गाइज दैट्स ऑल इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।